ये नाच करता है कोई शोहरत पर, हम तो अपने अच्छे से पर नाच करते हैं जो हमें कुछ पुरानी यादें ताजा कर यहाँ बोलने का मौका देते हैं। हम अपने अच्छे से पर नाच करते हैं जो हमारी पुरानी यादें यहाँ बोलने का मौका देते हैं। मन तो सदैव विचरण करता ही रहता है, कभी सगे संबंधी, कभी किसी फिल्म गाने की या एक्टर की एक्टिंग की। लेकिन मुझे क्या याद है अभी मैं आपको बता रही हूँ, हमारे देश में नई नई फिल्में बनती ही रहती हैं, हर साल नई बनती हैं और देश विशेष विदेश में पसंद भी की जाती हैं। उसी क्रम को सुना रही हूँ। 1974 में फिल्म आई थी रोटी, 1982 में फिल्म आई अंगूर, 1984 में चॉकलेट आई, 2009 में आलू चाट आई, 2012 में आई बर्फी। इतना सब खाने के बाद में, 2014 में टॉयलेट तो नहीं थी। एक और किस्सा याद आया वो सुनाती हूँ। पत्नियों का विकास क्रम शायद आप सब में किसी का अनुभव भी होगा। 1960 में जब पति घर पड़ते और सोचते जाकर एक कप चाय पिएंगे, लेकिन पत्नी तो पहले से ही चाय नाश्ता लिए खड़ी रहती थी। 1970 में बदलाव आया, पति बोले एक कप चाय, अभी लाई थी 80 में, पति ने कहा एक कप चाय अभी लाती हूँ, 90 अभी ला रही हूँ थोड़ा सा भी करो, 2000 अभी लाऊंगी सीधे में अपने खाने दो, 2010 में हल्ला नहीं करो देती हूँ मैं तो खुद बना लो। पति धीरे से उठ के चले, पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं चाय बनाने जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूं चाय पियो भी क्या। आज भी मुझे याद है यादों का क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें SOS की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यादों का क्रम तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन हमें SOS की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एस मतलब स्टॉप फॉर ए मिनट, अपने आप को एक मिनट के लिए रोकें। ओ मीन्स ऑब्जर्व, व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो, पास में हो कि फ्यूचर में हो, पास में हो तो वापस आ जाओ, फ्यूचर में जाने से कोई फायदा होगा। हमें SOS मतलब हमें नेगेटिव से पॉजिटिव में स्विच करना आना चाहिए, खुद को स्विच करना आना चाहिए, नहीं तो यादें हमें कभी हंसाएंगी कभी रुलाएंगी। यादों का तब से चलता ही रहेगा। जब आप अकेले हो तो विचारों को संभालिए, और जब सबके बीच में हो तो शब्दों को संभालिए। थैंक यू।